रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो देखकर नेटो देशों में हड़कंप मच गया। वहीं यूक्रेन में सायरन बजने लग गए। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग के 2 साल बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के भी होश उड़ा दिए हैं। अब आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें खास बात क्या है। ये ताजा वीडियो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, जिन्होंने गुरुवार को एक परमाणु बम वर्षक फाइटर जेट में उड़ान भर हवा से बातें की। इस सुपरसोनिक बम वर्षक विमान का नाम TU-160 है। पुतिन ने करीब 30 मिनट तक इसमें उड़ान भरी। इस उड़ान के जरिए पुतिन ने पश्चिमी देशों को अपनी परमाणु शक्ति का दमखम दिखा दिया। मॉस्को से 720 किलोमीटर पूर्व कजान में फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के बम वर्षक विमान में पुतिन ने उड़ान भरी। रूसी सरकार ने राष्ट्रपति पुतिन की उड़ान का ये वीडियो जारी किया है। उड़ान के बाद पुतिन ने कहा, TU-160 कई मायनों में एकदम नई मशीन है। एक साधारण आदमी भी इसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। ये बेहद भरोसेमंद और आधुनिक हथियारों से लैस विमान है। इसमें परमाणु बम या मिसाइल भी लगा सकते हैं। अब आपको परमाणु बम गिराने वाले फाइटर जेट के बारे में बताते हैं। TU-160M को आधुनिक मिसाइल कैरियर भी माना जाता है। पुतिन ने इसे नई जनरेशन की तकनीक बताया है। ये अब रूसी वायुसेना में शामिल हो चुका है। पुराने TU-160 की तुलना में TU-160M में 80% चीजें बदल दी गई हैं। सब कुछ एकदम नया हो चुका है, जबकि एयर फ्रेम पुराना ही है। इसका नाम मिनी टाइमर है। अब ये जानते हैं कि ये बम वर्षक विमान कितना ताकतवर है। पूरे हथियारों के साथ जब ये उड़ान भरता है तो इसका वजन 2,75,000 किलोग्राम होता है। यह अधिकतम 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, जो कि किसी बम वर्षक के लिए बहुत ज्यादा स्पीड है। आमतौर पर यह 965 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रूजिंग करता है। इसकी कुल उड़ान रेंज 12,300 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है। अगर गति कम की जाए तो ये बढ़कर 7,300 किलोमीटर की जा सकती है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया था कि रूस स्पेस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है। इस पर पुतिन ने साफ किया है कि मॉस्को का अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रूस ने सिर्फ अमेरिका के बराबरी वाली स्पेस क्षमता विकसित की है।